दोस्तों, जब हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो उस बिजनेस में हर प्रकार के खर्चे की एंट्री हम करते हैं उस खर्चे के वाउचर को देख के। तो दोस्तों, हमारे बिजनेस में एक ऐसा खर्चा भी होता है जो हमारे बिजनेस का जेन्युइन खर्चा भी है, लेकिन उसका हमारे पास कोई भी वाउचर नहीं होता। न तो हम उसका कोई सेल्फ मेड वाउचर बना सकते हैं और न ही हमें पर्टिकुलर उसका कोई वाउचर हमें मिलता है। तो उस खर्चे का नाम है बैंक का खर्चा, यानी कि बैंक चार्जेस। तो दोस्तों, बैंक चार्जेस किसी रूप में भी हो सकता है, एक सर्विस के चार्ज में भी हो सकता है, अकाउंट ओपनिंग के चार्ज में भी हो सकता है, चेक बुक इशू चार्ज में भी हो सकता है, एसएमएस चार्ज में भी हो सकता है। तो यानी कि पर्टिकुलर कोई एक नाम नहीं है भी जो बैंक का चार्ज लगना है वो किसके रूप में लगना है। तो ये आपकी डिफरेंस टाइप की सर्विसेज का चार्ज होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि जब हम बैंक से स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक कंप्लीट करवाने के बाद उसका डाटा जब हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर डाटा के साथ मैच करते हैं तो उसमें डिफरेंस जो आता है वो बैंक चार्जेस के रूप में आता है। तो बैंक चार्जेस की एंट्री हम बैंक स्टेटमेंट को देख के किस प्रकार टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, अकाउंट के फ्रेश स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बता देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ही वीडियो। दोस्तों, वीडियो की जो शुरुआत है हम बैंक के ओरिजिनल वाउचर के साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने बैंक ऑफ इंडिया में स्मार्ट इंटरप्राइजेस के नाम से करंट अकाउंट ओपन करवाया है और हमने 1 फरवरी 2021 को इसमें 40,000 रुपये नकदी कैश भी डिपॉजिट करवाया है। तो दोस्तों, हमारे पास बैंक का स्टेटमेंट भी है। जब हमने सारी एंट्री करने के बाद हमने बैंक से पासबुक कंप्लीट करवाया या बैंक से स्टेटमेंट हम लेके, तो बैंक ने हमें इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम हमारे बैंक वाउचर की एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एंट्री करनी पड़ेगी, हमने बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट में ये जो 40,000 रुपये नकदी जमा करवाए हैं। तो हम चलते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा हमारी बुक्स में। तो उसके लिए हम वापस गेटवे ऑफ टेली पर रहते हुए क्रिएट पर जाएंगे, लेज़र पर जाएंगे और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक लेज़र क्रिएट करेंगे और अंडर में से हम रखेंगे बैंक अकाउंट। और उसके बाद में हम यहाँ पर हमारी जो बैंक की अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। मैं इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों, हमने ये बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र क्रिएट कर लिया है। तो अब हम जो हमारी पहली जो ट्रांजैक्शन है बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने की वो करेंगे। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टेली पर वापस आएंगे, वाउचर पर आएंगे और जब हमें बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके लिए हम वाउचर यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा का, और कॉन्ट्रा की शॉर्टकट कमांड है F4। तो हम F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा और उसके बाद में क्रेडिट का ऑप्शन। तो अब क्रेडिट यानी कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है तो कैश हमारी बिजनेस से जा रहा है, तो हम कैश को करेंगे क्रेडिट और यहाँ पर रखेंगे अमाउंट 40,000 रुपये। और उसके बाद में यहाँ पर अब बैंक ऑफ इंडिया को करेंगे डेबिट। तो और उसके बाद में ये हमारे से जो काउंटिंग है उसकी डिटेल पूछेगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं इसके, जैसे मैंने ये 500 रुपये के 80 नोट जमा करवाए हैं तो इसकी डिटेल भी हम यहाँ पर 500 × 80 करेंगे तो ये 40,000 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे अकाउंट ओपन विद कैश और इस वाउचर को हम करेंगे सेव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेट चेंज करेंगे 2/1 फरवरी और वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों, ये तो था हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है और उसके बाद में कुछ हमने चेक भी इशू किए हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से चेक हमने इशू किए हैं उसकी एंट्री भी हम करते हैं। तो दोस्तों, हमने 2 फरवरी को 210-101 नंबर हमने चेक इशू किया है विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को 5,000 रुपये का। तो इसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे, टेली में आएंगे
और हमने पेमेंट करी है तो हम पेमेंट वाउचर यूज़ करेंगे, यानी कि F5 का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो वाउचर नंबर है वो हमारे पास ये मैन्युअली रूप से आ रहा है, और हमें चाहिए भी जो हमारे पास ये चेक है और इसका जो चेक का जो नंबर है ये 210-101, ये हम इस वाउचर पे यहाँ पर लिखें। तो इसके लिए हमें इस वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए वापस हम जाएंगे गेटवे टैली पे, एल्टर पर आएंगे, वाउचर टाइप पर आएंगे, और उसके बाद में जिस जिस वाउचर को हमें एडिट करना है उस वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें पेमेंट वाउचर चाहिए तो हम पेमेंट वाउचर पर जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर जो नंबरिंग आ रहा है ये ऑटोमेटिक है, तो इसकी जगह हम करेंगे यहाँ पर मैनुअल, और इसको करेंगे यस, और इसको कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को करेंगे एक्सेप्ट, और वापस आएंगे वाउचर पे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो चेक नंबर हम लिख सकते हैं, तो चेक का नंबर हमारा 210-101, और उसकी जो डेट है चेक की वो 2 फरवरी 2021 की है। तो F2 से हम डेट चेंज करेंगे। अब डेबिट हम किसको करेंगे, जिस पार्टी को हमने पेमेंट करी है, यानी कि विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को। तो विश्वकर्मा ट्रेडिंग का हम लेज़र यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में इसके अमाउंट 5000 रुपीज़, और उसके एक बार इसके ऑन अकाउंट हम रखते हुए, और अब क्रेडिट हम इसको करेंगे बैंक ऑफ इंडिया को, और उसके बाद में चेक की जो समरी आ रही है वो चेक हम यहाँ पर भी लिखेंगे 210-101, और यहाँ पर भी नरेशन भी आप लिख सकते हो 210-101 चेक नंबर, और वाउचर को हम करेंगे सेव। तो ये था एक नंबर चेक, और इसी तरीके से हमारे पास ये दो नंबर भी चेक है 210-102, वो भी हमने विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को इशू किया है 2 फरवरी को, लेकिन उसकी अमाउंट है जो 4000 रुपये की है। तो सेम इसी तरीके से हम एंट्री करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो जो पिछला वाउचर नंबर था वो रिपीट हो जाता है। हम इसको एक को टाके यहाँ पे हम दो करेंगे विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी, और उसके बाद में इसके अमाउंट है जो 4000 रुपये है, और इसे हम एक बार ऑन अकाउंट रखते हुए इसे हम रखेंगे बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद में इसका चेक नंबर 210-102 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे चेक नंबर 210-102, और उसके वाउचर को भी हम करेंगे एक्सेप्ट। इस तरीके से हमारे पास एक चेक और है, ये हमने NEFT कराई है, और ये भी हमने विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को ही कराई है 2 फरवरी को, और इसकी जो अमाउंट है वो 25000 रुपये की है। तो हम कंट्रोल आर से रिपीट करेंगे, चेक नंबर 3 लिखेंगे, अब वापस हम विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को करेंगे, इसकी अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 25000 रुपये, ऑन काउंट करते हुए इसको हम करेंगे बैंक ऑफ इंडिया का, और अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने NEFT करवाई है और विद चेक नंबर 210-103। तो दोस्तों ये NEFT और RTGS जब हम करवाते हैं तो हमें एक बैंक से एक फॉर्म मिलता है इस टाइप का, और ये फॉर्म हमें भर के बैंक में और इस चेक के साथ हमें देना पड़ता है, क्योंकि जब हम NEFT करवाते हैं तो उस कंडीशन में उस चेक के ऊपर उसका नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि यहाँ पे योर सेल्फ या NEFT लिखा जाता है। यह अलग अलग बैंकों का एक अलग अलग सिस्टम होता है, कोई NEFT लिखवाता है ओनली या ओनली योर सेल्फ लिखवाता है, या कई ऐसे भी होते हैं नाम लिखवाने के बाद जैसे विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी का नाम और उसके आगे ब्रैकेट में NEFT लिखवाते हैं। तो यानी कि ये हर एक बैंकिंग का अलग अलग सिस्टम है। तो दोस्तों ये इसके लिए हमने ये एक फॉर्म हमें सबमिट करना पड़ता है RTGS का। अब इसके अंदर ये सारी विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका बैंक का नाम, उसका IFSC कोड, ये सब कुछ हमें फिलअप करना पड़ता है इसके RTGS फॉर्म में। लेकिन एंट्री करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जब हम चेक के थ्रू रूटीन में पेमेंट करते हैं उस तरीके से, और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये हमने एक कैश डिपॉजिट की एंट्री करी है और 3 चेक की एंट्री करी है, और अब हमारा स्टेटमेंट अगर आप देखें हमारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस क्या बचना चाहिए। तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, उसके बाद हम अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बैंक ऑफ इंडिया को। तो अब आप देख रहे हो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग उसमें 6000 रुपये का बैलेंस होना चाहिए। अब 6000 के किस हिसाब से बचेगा, अब ये आप देख रहे हो भी हमने 40000 रुपये जो कैश डिपॉजिट करवाया था, और उसके बाद में हमने ये टोटल जो अमाउंट हमारी 34000 ये मानी बैंक से पैसा निकल चुका है इन 3 पेमेंट के थ्रू। तो हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग 6000 रुपये का बैलेंस बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए, लेकिन जब हमने बैंक ऑफ इंडिया में जाके हमारी इस लेजर की स्टेटमेंट हमने निकलवाई तो बैंक ने हमें इस प्रकार की स्टेटमेंट दे दी। तो अब बैंक स्टेटमेंट में अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस देखें 2 फरवरी का तो 5765 रुपये और 20 पैसे का ही आ रहा है,
यानी कि हमारी बुक्स में आ रहे हैं 6,000 रुपये और बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं 5,765 रुपये और 20 पैसे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया भी, हमने अकाउंट ओपनिंग करते वक्त चेकबुक इश्यू करवाई उसका चेक चार्ज बैंक ने हमारे से लिया है, अकाउंट कीपिंग का चार्ज भी लिया है और NEFT जो कराई है उसका NEFT का चार्ज भी बैंक ने लिया है। तो दोस्तों अब इनकी एंट्री हमें बैंक स्टेटमेंट को देख के ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा हमें पता नहीं चलता भी बैंक ने हमारे कितना चार्ज किया है, हमारा बैंक अकाउंट से कितना पैसा डिडक्ट किया है। तो दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हो बाकी जो अमाउंट है वो तुम्हारी बिल्कुल मैच हो रही है, जो हमने बैंक में पैसा जमा करवाया था 40,000 रुपये वो अमाउंट भी आ गई, हमारा एक नंबर का जो चेक था 5,000 रुपये का वो भी आ गया, दो नंबर चेक 4,000 का वो भी आ गया और ये जो चेक नंबर 3 था 25,000 रुपये का वो भी आ चुका है। लेकिन ये खर्चे की एंट्री अब हमें करनी पड़ेगी इस स्टेटमेंट को देखने के बाद। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, वापस जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पे, वाउचर पर रहेंगे और हम इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड खर्चा है। अब बैंक से रिलेटेड जो खर्चा है तो इसकी एंट्री हम बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जिस जिस डेट में बैंक ने खर्चा लिया उस डेट की एंट्री हम कर देंगे। अब जैसे पहली एंट्री 2 फरवरी को 75 रुपये और 80 पैसे बैंक ने चार्ज लगाया। अब चार्ज लगाने का रीज़न ये हो सकता है भी चेक बुक इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी रूप से एक लिखा हुआ है चेक बुक इशू, तो ये 75 रुपये और 80 पैसे तो इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपके पास कोई नरेशन अगर आप इस स्टेटमेंट में से देख के कुछ लिखना चाहो तो यहाँ से आप लिख सकते हो भी बैंक ने इसका रेफरेंस नंबर आपको क्या दिया है, तो मैं एक बार कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हमें अब बैंक चार्जेस के नाम से एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, तो बैंक चार्ज के नाम से कोई लेजर नहीं है, LC पे रहते हम बैंक चार्जेस के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे और इसे हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और हम इस पर किसी टाइप का कोई GST हम नहीं ले रहे तो इसे नॉट एप्लीकेबल रखते हुए हम इसे करेंगे सेव। तो जो एंट्री हमारी 75 रुपये और 80 पैसे की है तो हम 75 रुपये 80 पैसे को तो करेंगे डेबिट और उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया को हम करेंगे क्रेडिट। तो उसकी डिटेल यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे नरेशन में इसका भी सर्विस ऑफ चेकबुक और वाउचर में इसको करेंगे एक्सेप्ट और इस प्रकार से ये 150 रुपये का अकाउंट कीपिंग चार्ज ये भी बैंक ने एक्सपेंसेस लगाया हुआ है। तो अब हमें अलग अलग नाम से कोई लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, हम अकाउंट कीपिंग के नाम से अलग कोई लेज़र क्रिएट करें, हम जो एंट्री है जो हमारी वो बैंक चार्जेज में ही जाएंगी सारी एंट्री। अब 150 रुपये और बैंक ऑफ इंडिया को वापस हम करेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इसका अकाउंट कीपिंग चार्ज और वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार जब हमने ये 25,000 रुपये की NEFT कराई थी तो उसमें 9 रुपये बैंक ने इस अमाउंट के साथ में डिडक्ट किया है। तो दोस्तों इसकी एंट्री हम दो तरीके से कर सकते हैं NEFT की। पहली एंट्री करने का आपको मैं तरीका बता देता हूँ भी, हम बैंक ऑफ इंडिया का लेजर ओपन करेंगे बैंक ऑफ इंडिया का और जब हमने ये 25,000 रुपये की एंट्री करी थी और इस अगर आपको पता है भी इसका 9 रुपये का चार्ज NEFT का चार्ज बिल्कुल फिक्स है तो हम इसकी एंट्री बिल्कुल साथ के साथ ही कर देंगे। तो इसकी एंट्री किस प्रकार कर सकते हैं, एक तरीका तो ये होगा भी 25,000 रुपये को हम डेबिट करेंगे और उसके बाद में वापस डेबिट का ऑप्शन फिर लाएंगे, फिर बैंक चार्जेस लिखेंगे और फिर यहाँ पे 9 रुपये फिर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में ये 9 रुपये ही एक्सपेंसेस लगा हुआ है NEFT का चार्ज। ये अदर अदर मतलब अलग डिफरेंस बैंकों के कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग बैंकों का, तो हम बैंक ऑफ इंडिया के करेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया में ये 25,000 और 9 रुपये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा और इस वाउचर को भी हम वापस करेंगे सेव। तो दोस्तों अगर इस प्रकार की जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे 25,000 रुपये और 9 रुपये जो आपको अलग अलग शो हो जाएंगे। अगर आप इसमें अलग डिफरेंस इस टाइप की एंट्री करने चाहें 9 रुपये की अलग से एंट्री करें तो भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देख रहे हो अब हमारे टेली के अंदर इसका जो बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 5,765 रुपये और 20 पैसे हो गया सारी एंट्री करने के बाद में और बैंक की स्टेटमेंट में भी 5,765 रुपये 20 पैसे CR आ रहा है, यानी कि बैंक हमारा बैलेंस क्रेडिट कर रहे हैं तो हम हमारी बुक्स में बैंक को डेबिट कर रहे हैं।
तो यानी कि इस तरीके से हम बैंक की स्टेटमेंट को देख के, बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री करने के बाद में ये हमारा जो स्टेटमेंट है बैंक के साथ बिल्कुल टैली हो जाएगा। तो दोस्तों ये बैंक का जो एक्सपेंसेस है ये कुछ अलग टाइप का भी हो सकता है। अब कई बैंक ऐसे भी होते हैं जो जो अमाउंट हमें भरनी होती है 25,000 रुपये की, वो 25,009 रुपये वन टाइम ही भरवाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है भी बैंक ने 25,000 रुपये 9 रुपये की एंट्री अलग करने की बजाय 25,009 रुपये इसी अमाउंट में ही ऐड कर देते हैं, तो यानी कि वो 9 रुपये अलग से कोई रिफ्लेक्ट नहीं करता स्टेटमेंट में, जबकि चेक जो हमने इशू किया था वो 25,000 रुपये का ही किया था। तो इसलिए हमें जो पार्टी के खाते में जो अमाउंट हम डेबिट करनी है वो 25,000 कहेंगे और 9 रुपये बैंक चार्जेस को डेबिट करते हुए और बैंक को क्रेडिट करेंगे, जैसे कि हमने ये एंट्री करी थी। स्वयं हमें इस प्रकार की एंट्री करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, आरटीजीएस चार्ज, एनईएफटी चार्ज या अदर कोई भी एक्सपेंसेस हो तो उसकी एंट्री हम बैंक स्टेटमेंट को देख के हमारे सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।